नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च। जम्मू कश्मीर के कोचवा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन में लदा था भारी मात्रा में असला। चंडीगढ़ के बापूधाम में शनिवार को 20 वर्षीय युवती मिली कोरोना पॉजिटिव, मोहाली में आए 5 नए मामले। हरियाणा और पंजाब ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल। खालिस्तान की मांग के लिए रेफरेंडम 2020 के संस्थापक पन्नू पर देशद्रोह का केस दर्ज। मुख्यमंत्री ने किया योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार को संबोधित। डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे पीटीआई शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी धक्का मुक्की। लद्दाख में शहीद अंकुश ठाकुर के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ने परिजनों को दिए 20 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव देहात में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 मजदूर इस अभियान में शामिल होंगे। भारत चीन के बीच विवाद के बीच अब पाकिस्तान इसका फायदा उठाने में लगा हुआ है। शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से बीएसएफ ने अमेरिका में बनी एक M4 राइफल, 2 मैगजीन और 60 राउंड गोलियां, 7 ग्रेनेड बरामद हुए। बापूधाम में एक 20 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके साथ ही चंडीगढ़ में कोरोना की गिनती 382 हो गई है। 315 मरीज ठीक भी हुए हैं। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 37 HPS अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। अनेक HPS के तबादलों को रद्द भी किया गया है। वहीं पंजाब में भी 2 IPS और 5 PPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। रेफरेंडम 2020 के संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर मोहाली पुलिस ने देशद्रोह और भारतीय सेना के जवानों को अपने देश के खिलाफ उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया है। इन्होंने अपने लिखे संदेश में कहा कि सिख लोगों को भारतीय सेना छोड़ देनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योगा वेबिनार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस साल हम योग का अभ्यास करें और दुनिया को एकता का संदेश दें और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। और उस योग दिवस के पूर्व हम लोग आज इस वेबिनार के माध्यम से ये जो आयोजन जिस आयोजन को श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए गए हरियाणा के 1983 पीटीआई लगातार देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कभी सीएम के सामने तो कभी अन्य नेताओं व मंत्रियों के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात रख रहे हैं, ताकि सरकार उन्हें किसी तरह एडजस्ट कर सके। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए हमीरपुर जिला के अंकुश ठाकुर के परिजनों को सांत्वना देने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गढ़ौता पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और देश के लिए शहादत का जाम पीने वाले अंकुश ठाकुर के परिजनों को सरकार की तरफ से 20 लाख की राशि प्रदान की। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 14,000 से अधिक नए मामले। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,000 पहुंची। उत्तर प्रदेश में शनिवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बड़े हादसे, 8 लोगों की जान गई। कल लगने वाला चूड़ामणि योग में सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, जो देश के करीब करीब सभी हिस्सों में दिखाई देगा। हरियाणा में कोरोना का टेस्ट अब होगा 2400 रुपए में, सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी। कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के प्लाज्मा थेरेपी हुई सफल।
चंडीगढ़ के बाबूधाम से 20 वर्षीय युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, साथ ही मोहाली से मिले 5 नए केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 32 नए मामले सामने आए हैं, इनमें 14 हमीरपुर, 8 कांगड़ा, 8 सोलन और 2 बिलासपुर जिले में मिले हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।